वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन का शॉपिंग हॉल वीडियो। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको वाला वीडियो कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेजोन का शॉपिंग हॉल वीडियो। इस शॉपिंग में आपको देखने को मिलेगा घर पे सजाने की चीज़ें, साथ ही साथ किचन में कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती है, घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है जो कि आप बाय कर सकते हो अमेजोन से, जो कि मैंने बाय करी है एंड मैंने 15 to 20 डेज हो चुके हैं उनको यूज़ करते हुए। तो अब मैं उनका हॉल और रिव्यू साथ में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या परचेज करा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने परचेज करा था ये फिलिप्स की आयरन। तो ये वाले जो फिलिप्स की आयरन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आयरन आई है, मैंने इसे परचेस करा है 850 रुपीज़ में। तो ये जो आयरन है कुछ इस टाइप की आई है और इसको मेरे को यूज़ करते हुए 20 to 25 डेज हो गए हैं। तो यहाँ का जो ये जो बेस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथली आयरन होता है, तो बहुत ही अच्छी ये आयरन आई है। आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हो और इसकी जो प्राइस है मार्केट में 950 रुपीज़ है, बट मैंने इसको 850 रुपीज़ में परचेस करा है ऑनलाइन। एक्चुअली यहाँ पे फिलिप्स की मिल नहीं रही थी और मुझे फिलिप्स की चाहिए थी तो मैंने ये आयरन परचेस करी है। बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं है, वायर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये आयरन है। तो अगर 1000 के अंदर में आप आयरन परचेस करना चाहते हो देन गो फॉर दिस आयरन। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंशन कर दूंगी मैं। जो चीज़ मैंने ली है वो मैंने परचेस करा है बोट का स्पीकर। तो बोट जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है एज स्पीकर के लिए, और भी काफ़ी सारी कंपनी है, बट अगर आप 1000 के अंडर में कोई स्पीकर परचेस करना चाहते हो जो एक से दो रूम तक में उसकी आवाज़ गूंजती हो, अच्छा साउंड क्वालिटी हो, तो यू कैन गो फॉर दिस। या फिर आप JBL और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, अगर आप 1000 के ऊपर जाना चाहते हो, जैसे कि 2000-3000 अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट अंडर 1000 अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन बाय दिस स्पीकर। तो ये वाला जो स्पीकर है कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही छोटा सा ये आता है और आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो और बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको इसको चार्ज करना है, अगर आपने इसको 4-5 घंटे चार्ज कर लिया है तो आप इसको 1-2 दिन आराम से पूरे दिन भले बजा के रखो। बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी और इसको परचेस करने को मुझे आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये स्पीकर है। तो इसके साथ में जो है इसका चार्जर आता है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप इसको मोबाइल के चार्जर से भी आराम से चार्ज कर सकते हो और इसका भी पिन आता है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आपको ये कार्ड वगैरह मिलेगा, वारंटी कार्ड वगैरह, तो ये वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। और यहाँ में ये जो है ये वाला जो है ये इसका चार्जर के लिए है, आपको बस एडाप्टर में लगाना है और आप चार्ज कर सकते हो। देखिए मैंने इसको ओपन भी नहीं करा है अभी तक बिकॉज मैं मोबाइल के चार्जर से इसको चार्ज कर लेती हूँ। एंड ये वाले जो है ये एक पिन मिलता है जिससे आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है देन यू कैन कनेक्ट योर स्पीकर विद टीवी, तो आप टीवी से भी इसमें सुन सकते हो, आप इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला एक वायर दिया है जिसको आप टीवी से कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करने के लिए आपको जस्ट एक बार ब्लूटूथ से पेयर कर लेना है एंड उसके बाद में आप जब चाहे तब आप इसको एंजॉय कर सकते हो और आप ट्रेवलिंग में भी इसको ले जा सकते हो। जो मैंने परचेस करा है ये मैंने एक ग्लास का बोतल परचेस करा है, मिल्टन का है, ये मिल्टन ब्रांड का है, तो ये काफी अच्छा ग्लास का बोतल है। तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी यूज कर सकते हो और नॉर्मली अगर आप पानी फ्रिज का नहीं पीते हो नॉर्मली पानी भर के भी इसके अंदर अपने रूम में रख सकते हो, दिखने में काफी अच्छा लुक देता है। साथ ही साथ आपको प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होता है। सो प्रिफर करें कि आप कांच की बोतल में ही पानी पिए या फिर कोई दूसरा अच्छा मटेरियल का जिसमें जो आपके हेल्थ के लिए खराब नहीं हो, प्लास्टिक अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैंने एक ये बोतल परचेस करा है एंड इसको भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसको बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से खोल सकते हो और बहुत ही प्यारी ये बोतल है, तो एक मैंने ये परचेस करी है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने परचेस करा है अमेजोन से एक केटल, इलेक्ट्रॉनिक केटल, और ये जो है फिलिप्स का केटल है। तो मैं आपको इसका आउटर पैकेजिंग दिखा देती हूँ और इसको भी यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके का फिलिप्स का आउटर पैकेजिंग आता है केटल का। तो ये काफ़ी अच्छा खासा पावरफुल केटल है एंड स्टेनलेस स्टील का है जिसमें आप गर्म पानी कर सकते हो, मतलब ठंड के टाइम में गर्म पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसमें अगर आप लेमन टी वगैरह पीते हो तो उसके लिए भी आप पानी गर्म कर सकते हो। इसके अंदर आप दूध वगैरह गर्म नहीं कर सकते, सिर्फ ये पानी गर्म करने के लिए होती है। तो एक मैंने ये लिया है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है,
अगर आपको पीने के लिए पानी गर्म करना है तो 10 से 30 सेकंड के अंदर में पानी गर्म हो जाता है, और अगर आप पानी को थोड़ा ज्यादा गर्म करके रख देते हो तो 1-2 घंटे तक पानी इसके अंदर में गर्म ही पड़ा रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आपको इस टाइप की कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो मैं आपको इसका जो इनर पैकेजिंग है वो भी दिखा देती हूं। ये केटल का नीचे का हिस्सा है जिसका यहाँ पे वायर कनेक्टेड है, तो आपको इस वायर को लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंधा हुआ है, तो जब भी आपको पानी गर्म करना हो तो आप केटल को लेके यहाँ पे रख सकते हो एंड इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। प्लग लगा दीजिए, यहाँ पे इसका बटन है, इसको आप जब ऊपर करोगे इस तरीके से नीचे करोगे तो ये ऑन हो जाता है, यहाँ पे लाइट जलती है, और जब आप बंद कर दोगे तो ये इसको ऊपर करना है, लाइट बंद हो जाएगी, आपका पानी हो चुका है। तो यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो, मैं इसको यूज कर चुकी हूँ तो पानी आपको दिखेगा। तो काफी अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है, 1.5 लीटर का आता है ये, आप आराम से पानी गर्म करके पी सकते हो इसमें। दोस्तों नेक्स्ट मैंने परचेज करा है साइड टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल, और जैसे रूम में हमारे बहुत सारी टेबल्स वगैरह होती है, टीवी यूनिट होती है, तो उस पे लगाने के लिए मैट, ताकि वो टेबल और या फिर साइड टेबल जो भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव लगे, तो उसके लिए मैंने ये वाला परचेज करा है, मैट है ये। और ये जो है कपड़े का है, तो आप इसको आराम से वॉश कर सकते हो, तो बहुत ही प्यारा प्रिंट बना हुआ है, कॉटन फैब्रिक का है ये। तो एक 2 इस तरीके का बड़ा साइज में आता है और 2 इस तरीके का छोटा साइज में आता है, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि मैंने इसको किस तरीके से लगाया है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैट है और बहुत ही ग्रिप अच्छे से बनती है, इनके बैक साइड आप देख सकते हो, ग्रिप बहुत ही अच्छे से बनाते हैं ये। तो अगर आपके रूम में कोई राउंड टेबल है या फिर ड्रॉइंग रूम में है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये है। 2 बड़ी साइज में आते हैं और 2 इस तरीके से छोटी साइज में आते हैं, आप साइड टेबल में लगा सकते हो, ड्रेसिंग टेबल पे लगा सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह लगाया है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है ये मैंने, लिया है एक रिमोट स्टैंड। तो इसके अंदर में जो है 4 रिमोट आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक लेडी का पोर्ट्रेट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये कुछ इस टाइप का है और बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेटेड है, तो ये आराम से टिक जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप 4 रिमोट डाल सकते हो, टीवी का, एसी का, होम थिएटर का, और जो आप डिश लगाते हो उसका रिमोट, तो 4 रिमोट आप डाल सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ही ज्यादा एट्रेक्टिव लगता है, बहुत ही लगाने के बाद में एक शोपीस का भी काम करता है, साथ ही साथ टीवी का रिमोट आपके ठिकाने पर रहता है, कई जगह में आप देखोगे कि रिमोट जो होता है इधर उधर पड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने खास करके ये परचेज करा था कि रिमोट की जगह में रिमोट रहे। तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मेंशन कर दूंगी एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से लगाया है। लिया है एक वॉलपेपर जिसको मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी एंड उसको लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगी, लगाने के बाद में वो कैसा लुक देता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये आप देख सकते हो, ये मैंने मंगवाया है स्टिकर, जो कि आप होम डेकोर पे आराम से आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक मैंने मंगाया है स्टिकर, वॉल स्टिकर, और इसका मैंने पे करा है 89 रुपीज। तो ये बहुत ही अच्छा वॉल स्टिकर है, तो आज मैं इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी कि अप्लाई होने के बाद में कितना खूबसूरत लगता है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, तो चलिए देखते हैं। देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये 1 और 2 पीसेस ऑफ आया है, और इसको मैं अब वॉल में लगाऊंगी। वॉल में लगाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो लुक है वो कैसा आता है, तो चलिए देखते हैं। वॉल पे स्टिकर लगाने का सबसे अच्छा चीज मैं आपको बता देती हूँ, सबसे अच्छा तरीका, अगर आप इसको बिना सोचे समझे ऐसे चिपकाए जाओगे तो आपका जो वॉल है पूरी खराब हो जाएगी और डिजाइन पैटर्न अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप जो नंबर्स देख रहे हो, जो नंबर के बाद में जो नंबर है उसके बाद में आप पिक्चर देखते देखते इसको अप्लाई करिए, तो आपका जो वॉल पेपर है वो बहुत ही अच्छे से लगेगा एंड साथ ही साथ आपका जो पैटर्न है वो खराब नहीं होगा। यहाँ पे पूरा ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है 2, 4, 8, तो उसी हिसाब से नंबर बाय नंबर आपको इसको अरेंज करना है। तो चलिए मैं इसको पूरा अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो लुक आता है वो कैसा आता है। सो फ्रेंड्स यू कैन सी द लुक, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड खूबसूरत लुक आया है, एज इट इज बना है, फॉलो द डिस्क्रिप्शन। वॉलपेपर के बाद में मैंने नेक्स्ट लिया है एक सूरेक, तो मैं आपको सूरेक को ज्वाइन करके नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैं उसको ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो उसको मैं वापस खोलूंगी नहीं, बट उसका जो भी रिव्यू है वो मैं आपको साथ में शेयर करूंगी, आपको मैं वो सूरेक दिखा दूंगी कि कितना कन्वीनियंट है और कितना स्पेस कम लेता है। अगर आप छोटे जगह में, छोटे फ्लैट में रहते हो और आपके घर में इतनी जगह नहीं है, तो आप उसको परचेस करके किस तरह से अपने जूते चप्पलों को अरेंज करके भी रख सकते हो, साथ ही साथ आपके घर के स्पेस भी ज्यादा खराब नहीं होगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो हमारी सूरेक, तो ये कुछ इस टाइप की है, इसको मैंने अच्छे से ज्वाइन कर दिया है, सारा कुछ अरेंज कर दिया है। तो ये जो है 4 रेक्स की सूरेक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको, कुछ इस टाइप की ये आएगी, इसमें आप अपने शूज चप्पल वगैरह रख सकते हो। इसमें आपको 3 रो मिलेंगे, आप देख सकते हो, 1
दो, और थर्ड वाला ये, फोर्थ वाला ये, एक्चुअली चार रो आपको मिलते हैं, तो आप इसमें आराम से अपनी चप्पलें वगैरह जूते वगैरह रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टोरेज है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आपको इस तरीके से इसको ज्वाइन करना पड़ता है, आप ये देख सकते हो, इसको मैंने अच्छे से ज्वाइन किया है, तो इसको मैं ज्वाइन कर चुकी थी, उसके बाद में मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और वॉशेबल भी है। आप ये जो मैट है, ये जो आप लगा हुआ देख रहे हो, इसको आप वॉश भी कर सकते हो, निकाल के जब गंदा हो जाए तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कुछ इस टाइप से रहता है, तो इसको आप कवर भी कर सकते हो यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा लगता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कम स्पेस लिया हुआ है इसमें। मेरा फ्लैट्स होते हैं उनमें ज्यादा इतना स्पेस नहीं होता, तो आप कम स्पेस अगर आपके घर में और आपको एक स्टोरेज चाहिए तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, बहुत ही कम स्पेस में। और आप देख सकते हो, मैं आपको दरवाजा खोल के दिखा रही हूँ, तो ये जो दरवाजा है ऐसे आने के बाद में आप देख सकते हो कितना कम स्पेस ये ले रहा है, तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्टोरेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है इसको, तो मैट को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है एंड यहाँ पे मैंने रिमोट का ये वाला स्टैंड रखा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और चीज़ें आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको घर के लिए परचेस करनी हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सारी की सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड मैंने काफ़ी दिन से इनको यूज़ कर रही हूँ, तब जाके मैं इसका रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।